देश में और भी मुद्दे हैं। पहला मुद्दा पति पत्नी में लड़ाई क्यों होती है, रोज़ सुबह हम मंजन क्यों करते हैं, रोज़ सुबह ही 7 बजे ही क्यों पेट में से आवाज़ आती है अजीब सी गुलगुल गुलगुल जी। इन मुद्दों पर बात करिए, ये साइंटिफिक मुद्दे हैं। पहले ये बात करो कि मियां बीवी में लड़ाई क्यों होती है और गलती किसकी होती सबसे ज़्यादा, और बीवी के जब कौन बोलता है, हाँ, और सॉरी कौन बोलता है। देखो ये तो संसार का नियम है, सॉरी पति को ही बोलना पड़ता है, और गलती सिर्फ इतनी है, आज मुझे नेताओं वाली फीलिंग आ रही है और ऐसा लग रहा है आप बहुत बड़े चैनल से पत्रकार हैं और मैं बहुत बड़ा नेता हूँ। तो आपको फीलिंग तो तब भी आती है जब आपकी पत्नी आपको मारती होगी घर पे? अरे सर बड़ी खतरनाक फीलिंग आती है, ऐसा लगता है वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं। तो आप वॉशिंग मशीन में झूला घूमते हैं? जी 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 जी। तो आपका अनुभव कैसा रहता है जब आप मशीन में होते हैं, आपकी बीवी आपको कूट कूट के डाल देती, तो आपका अनुभव कैसा होता है आपका? और मेरा अनुभव अपने घर पे होता है और मैं घर पिट रहा होता हूँ और कुछ नहीं होता है। तो आपकी बीवी आपको किस किस हथियार का उपयोग करती है आपको मारने के लिए? मेरी बीवी वेलन, चकला, चप्पले, बेल्ट, तवा, आयरन प्रेस। तवे पे आपको बिठाती है कि तवे से आपको मारती है? नहीं, तवे का साइज छोटा, तवे को गरम करके मेरे दुकानों पे लगाया जाता है। तो आपके साइज का तवा मिल भी नहीं सकता वो बात? तब भी सही भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, तवे को बार बार गरम करके मेरे पीछे चिपकाया जाता है, ठीक है? तो कभी आपको ऐसा होता नहीं? अब हो गई बहुत, आप भी बहुत। अब मेरी बात सुनो, हम हो गया आपका, मैंने आपकी इज्जत करी 2 मिनट, वहाँ से लेके यहाँ तक मैं चल के आया आपके लिए सिर्फ और सिर्फ, अब मैं आपके कान के नीचे पाँव सेक दूंगा। आप काहे के लिए सोचो, बात कर यार जरा चिल्ला। भैया आप कौन? अब पड़ जाओ, एक भैया से बहुत सवाल पूछ लाए, अब कछु ना पूछियो। कोई एक बात बोलो भैया, मैं देवर से है ना, बोलिए मत ही उल्टो कताई। लड़का बहुत लड़का लड़का हमारे भैया से, हां आज दौरानिया घुमाने में आए। अब इधर काले गिरने इधर आओ, आप आ गए आइए। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? हमारे भैया से नहीं बोल लो, हमारे बड़े भैया है, हमारे बड़े भैया है। एक काम कर ले, अगर आप लोगों में से किसी की इच्छा हो ऐसे टंगने की तो आप मुझसे बदतमीजी कर सकते हैं। मेरे को टांग के दिखा, ला कौन सा बाउंसर देखा, ले टांग आ जा, टांग टांग ले आजा। नहीं टांग पाऊंगा, टांग ले, टांग लेंगे, टांग आजा। आप अपनी बीवी के सामने टंग जाते हैं तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। देखिए वो टंगना एक साइंटिफिक होता है। नहीं, कभी कपड़ों की रस्सी पे भी टांगती हूँ। आप टांगती हैं उसको? हाँ, हाँ। इनका अनुभव कैसा होता है उस समय का? अनुभव तो भाई टेंशन में होता है हमेशा कि बाबू का क्या हो रहा है, अनुभव हमेशा टेंशन में रहता है। जब आप अपने पति को मारती हैं तो आपको अंदर से फीलिंग कितनी अच्छी आती है? बहुत खुशी होती है, ऐसा लगता है 4-5 रेप टावर दे दूं और मारूं। आटा गूंद रही है और बता, तो कभी आपको आटा गूंदने जैसे आटा गूंदते हैं हाथ से, ऐसा नहीं लगता कि आटा गूंदने का इतना मन नहीं कर रहा था इनको मारने का मन करता है? बेटा सब लोग इधर आ दोनों, ओ तेरे की लड़ाई होती है दोनों में? ओए लड़ाई होती है? नहीं नहीं होती, ऐसे हाथ साफ करते रहते हैं बस ऐसे ही। कौन कैसा करता है? यही करती है, मैं क्या करूंगा, मैं क्या कर, आपको लगता है? ये सरे मेले के अंदर अपने आप को कुंवारा बताता रहा और आज जब पकड़ा गया तो कह रहा है हाथ साफ करता है। अरे मतलब ये मेरे पर हाथ साफ करती है। अभी बात बताओ, जब हम जंगल में जाएंगे, जब जब ये बताते हैं ना कि मेरी बीवी नहीं है, मेरी बीवी नहीं है, उस दिन रात को रोज पिटते हैं मेरे से। तेरी की तालियां, तालियां एक बार जोरदार। अभी बोलूं इनके हाथ पैरों में कवर में दर्द क्यों रहता था? अब भाई बाबू सामने बात, अब इतने मोटे मोटे लट्ठे कमर पे पड़ेंगे। बार बार बोलते थे कौन मोरवी कौन मोरवी, अब मैंने बताई दिया कि कौन मोरवी कटा रही है। बोलने देगी मेरे को? नहीं देगी बोलने, नहीं काय को देंगे यार, हद कर दी इनने। ये घर की बात है ना, घर की बात है, घर की बात है, इसको 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 रहने दो, बातों को यहीं रोक दो। क्यों? अब बोलो ना, बीवी सामने खड़ी है तो अब क्यों नहीं बोल रहा? ना कौन मोरवी है बोलो। हाँ है ना, कौन मोरवी? नहीं नहीं शादी नहीं तेरी हो गई है ना? हाँ नहीं बीवी नहीं है तेरी, ये है ना? हाँ ये है ना? नहीं नहीं अभी ये क्या बोलता था? तो वो तो मजाक कर रहा था ना, मैं ये मजाक करता था क्या? मजाक करते थे? हाँ मजाक 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 करते थे, मजाक करते थे, शादी नहीं है, शादी नहीं है, काय के बच्चे, पैसा है, कम पैसा है, गाड़ी है, बंगले है, हेलीकॉप्टर है, बात कर, कारोबार है बहुत, फोन है, कार है, कहाँ है, कौन है ये दोनों? ये कौन है? कौन है ये दोनों? ये पत्नी, ओ सॉरी ये पत्नी है, मैं देख इतना कंफ्यूज हो गया हूँ, ये पत्नी है और ये मेले। नहीं नहीं क्लियर करवाओ भाई साहब, क्लियर करवाओ यहाँ पे भाई साहब, बहुत धोखे में रह ली, पूरा महीना धोखे में रहे। मैं मोरवी को लेके अपने मायके जा रही हूँ। हैं? हाँ मोरवी को लेके गाड़ी है तेरे पास?
गाड़ी है और मैं अभी छोड़ा इसको यार। नहीं सुनो पूरी बात सुन लो। हाँ। मैं और मैं मम्मी को भी लेके जा रही हूँ, अब तुम अकेले रहना घर में अपने। नहीं मैं अकेले क्यों रहूंगा, ये आ जाएंगे ना। मतलब मतलब गर्लफ्रेंड डर ही नहीं है, पतली के सामने वो आ जाएंगी। दो साल बाद मौका मिला कह रही जा रही हूँ, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है भाई साहब। चलो रहने दो, मेरी शादी माना करो, सारी बातें मत करो। पूरे मेले में 42 दिन तूने मेरे को मूर्ख बनाया। कुछ दे दूंगा दे दूंगा, तूने दिया नहीं। मैंने सामने पोल पट्टी खोल रहा हूँ। बहुत गंदी पोल पट्टी खोली आपने। क्या बात, आज तक जो हथियार नहीं निकले ना, तलवार है चाकू, आज वो निकलेंगे घर पे। क्या बात कर रहा है, आप तो लात घूसों से काम होता था बेलन से। हाँ। आज तलवार चाकू बंदूक चलेंगे मेरे घर पे। क्या बात कर रहा है, और क्या आपको समझ में नहीं आ रही, आपको सुबह पता लगेगा बाबू उधर है। वो कांच रखा है ना टेबल के नीचे, वो भी तुम्हारे सर पे पड़ेगा। तो ठीक है मैं पॉपकॉर्न लेके आ रहा हूँ, पीछे से लड़ाई देखने को मिलेगी आज। बढ़िया, यस 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 वाली यस, कैसे ये यस, ये मजे तू ज्यादा मजे ले रहा है। अब खाऊंगा पॉपकॉर्न, मैगी बनाऊंगा घर पे। ये कोई टाइमिंग है क्या लड़ाई का, हम लोग लाइव करना चाह रहे हैं एक्चुअली। बहुत दिनों से कोई लाइव नहीं किया, कोई टाइमिंग है। रात को 11:30 तक, 11:30 तक इतना लंबा चलेगा क्या? अलग अलग चैप्टर होते हैं ना। अच्छा। पहले मेरी टांगों पे लठ मारे जाते हैं, फिर टांगे टेढ़ी हो जाती है, फिर मेरे हाथों पर रस्सी बांधकर मेरी पीठ पे बेल्ट मारे जाते हैं। फिर 1.5-2 घंटे फिर जो प्रोसेसिंग लगती है तवा गर्म होने की, जब तक तवा लाल नहीं जाता तब तक वो चूल्हे पे रहता है। जैसे वो लाल हो जाता है फिर मेरी दुकानों पर रख दिया जाता है उसको। दुकानें मतलब? अच्छा, फिर उसके बाद दर्द क्यों रहता है? कहते हैं ये मेरा गाने का तरीका है, ये मेरे चलने का तरीका है। ओह शिट, अब समझ में आया, आप यूं करो तो आपको दर्द होता है। कहते कि आपके टच में करंट है। ओह शिट, करंट नहीं है वो, दर्द है। नील के निशान, नील के निशान, वही वही टैटू है ना, टैटू बोले, टैटू है नया नील का, वो काटा था, काटा था, इनकी वाइफ ने काटा था। चलते थे, टैटू बताया था ना आपने, वो काटा था शायद। चाची आ जाओ, मेरी इज्जत लुट रही है, आप तो बचा लो कम से कम। चलो अच्छा, चाची 2 मिनट के लिए आ जाओ, पता चल रहा है। गलत चीज मैं साथ नहीं देती, हमारी बहू के साथ तुमने गलत किया है तो उसका सजा भुगतो। अरे तो मैं भुगत लूंगा सजा के लिए, सबके सामने थोड़ी सजा भुगतूंगा। सबके सामने गलती सबके सामने की तो सजा भी सबके सामने। जब मजे सबके सामने लिए तो सजा भी सबके सामने, सजा भी सबके सामने मिलेगी। अरे धर्मेंद्र चाचा यार आप बचा लो यार, हो गया बता, ये लोग कह रहे मेरी शादी हो गई। ओ धर्मेंद्र, अरे कौन ने शादी हो गई है, ये कह रहे हैं यार शादी हो गई। अरे नहीं यार, नहीं कौन ने कह दी यार, हैं ओए ए ओ ओ रुक जा वो धर्मेंद्र भाई, देख नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं शादी नहीं हुई अभी, तुम फंसने वाले हो। अरे मैं देख नहीं पाया। नहीं कोई बात नहीं, शादी नहीं हुई ना तुम्हारी, एक बिटिया भी है, एक बिटिया भी, अभी क्या कह रहे थे, नहीं मैं देख नहीं पाया सॉरी। अरे गुड्डू को क्या तू करवाता बाबू यार। अरे तो ठीक है ना, ये पिटवाने की साजिश कर रहे हैं मेरे को। नहीं तो कबूल कर लेना, शादी करी है, कबूल कर लिया, पर तबे रात को पिटा रहे, पिटवा 3 बार कबूल कर, कबूल है कबूल है कबूल है। क्या कबूल है, तलाक, तो पुरानी वाली से मिलवा रहे हैं इसको। नहीं तीसरी वाली का तो पता नहीं है, ये मिलवा रहे हैं ना उनको, मना कर, पर्सनल तो मेरे पे आया था, तो ये तो नहीं थी, तू उनसे कह रहा है ये मेरी वाइफ है। भाई भाई जा पिज्जा करा दे घर बैठ के, मैंने भी देखा था। आप मुझे बचाने नहीं आए, आप जले में नमक डालने आए। अरे नहीं तो तू मेरे को ऐसा लगा कि बोई देरी में से आज मालूम पड़ा जी, और आपसे स्पेशल चाय भी बनवाई थी उन्होंने। हां बनवाई थी, बढ़िया मलाई भी डलवाई थी उन्होंने, बोला मलाई मार के देना, तो मैंने मुंह पे मलाई मारी। मलाई वाली चाय नहीं बनवाई तुमने? अरे अंकल को पता होगा, अंकल किसी हॉस्पिटल में पलंग खाली है क्या? मेरे लिए बुक करा दो, इन लोगों ने काम खराब करवा दिया मेरा आज। ब्रो तुम तोरे करम ये से बताओ क्या करोगे, हां बोलो तुम क्या करोगे, गलती हो गई है तो छोड़ दो, माफ कर दो मेरे। मलाई वाली कौन थी? मलाई वाली, मलाई वाली ना, कौन थी वो माना करो, उसके बारे में तो मत बताओ कम से कम। क्यों, मैंने क्यों? उनको क्यों बोल रहे हो, मेरे को बताओ ना। धर्मेंद्र भाई बता के गए यार, मैंने बताई है क्या? वो मेरी लड़की दोस्त थी। कौन सी लड़की दोस्त? गर्लफ्रेंड, ओ सॉरी, गले में डाल के बैठा था, बैठा था गले में ऐसे, नहीं नहीं ऐसे नहीं, तू नहीं था ऐसे, इस तरीके से जो मैं, और मैं कह रहा हूँ क्या कर रहा है मेरी बीवी है। नहीं नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता है मेरे को मेडिकल की नॉलेज है, उनका चुर्रा हट गया था तो मैं वही चेक कर रहा था। चुर्रा क्या गले में होता है क्या? नहीं तो गले की नस भी दिक्कत दे रही थी ना, कमर में होता है चुर्रा तो भाई, गले की नस भी दिक्कत दे रही थी। अच्छा ऐसा था क्या? हाँ। तो प्रमीर से को बोला था ये मेरी बीवी है। कौन थी वो? अरे यार आप क्या करवा रहे हो, माना यार मैं थोड़ी करा रहा हूँ, वो कर रही है तेरी बीवी यार, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। बताओ इधर, क्या जवाब दो, क्या जवाब दूँ? कौन थी वो मलाई वाली? मलाई वाली कौन थी? अरे मेरे को क्या मालूम कौन थी जिसके गले में आटे के मुंह पर तुमने मलाई भिगवाई थी, कौन थी वो? मैं चली जाऊं नहीं तो पता चला, मैं मेरा नाम मत लेना, वीडियो कॉल वाली कौन थी? निकल जाऊं मैं, और मैंने तुम्हारे फोन में मैसेज भी पड़े हैं। तुम दोनों को 33 दूंगा, तुम दोनों पहले गायब हो जाओ यहां से। चलो
तीसरी वाली का तो पता नहीं, तीसरी वाली को पता चलेगा ना। 30 रुपए सिर्फ, 30 रुपए, 30 रुपए, 30 रुपए, 30 रुपए, 50, चल टिकट के निकल निकल। किसी का चुर्रा जाता है तो चाय पिला दे मलाई वाली उसको। अरे तो हाँ तो थोड़ा अंदर। वो दो को तूने तीती दे दी है। अरे कौन है ये? ये हाँ, ये आपकी सौतन। ओ सॉरी, ये मैं अरे मतलब आपने तो बोला था को आ रहे हो। ये ऐसी आ गई उड़ती हुई। मैं जा रही हूँ मोरवी को और मम्मी को लेके अपने। अरे बंद करा दो भाई साहब ये सब, रुक तो जा रहे, घर मत भेजो। नहीं नहीं एक मिनट, आप कौन हो मैम? आप कौन हो? मैं इनकी वाइफ हूँ। मैं तो इनकी गर्लफ्रेंड हूँ। पागल लड़की, क्यों भैया बोलती है तू मेरे को? हाँ धनमन चाय वाले को आज किसने को चाय पिलाई थी मेरे को मलाई डाल के? तो चाय पिलाने वो तो ऐसे 100 लेडीजों को रोज पिलाते चाय। पकड़ो अब इसके साथ रहो ना। ये कौन है? ये मेरी से शादी हुई है। अच्छा फिर मैं कौन हूँ? तेरे से बाद में कर लूंगा ना, अभी सबके सामने तो बोल रही है। चल अच्छा, एक सामने तो बोलना चाहिए। अगली बार खड़ा तो नहीं रहेगा? नहीं अगली बार नहीं रहूंगा, आप अगली बार। ये आओ मेला चले टीम है, मेले में आज मस्ती करने आई है 1 मार्च को। ये मस्ती मेरा है, डर जाएंगे लोगों का नहीं है, ये मेरा ही है। ठीक है नहीं, एक मिनट मेरी बात सुन लो, शादी हुई है, 7 फेरे लिए हैं। तुम सबसे रिश्ता खत्म। ये मेरी घरवाली है, सुन लो मेरी बात कान खोल के, मेरी घरवाली की जगह मत लेना। और बाहर वाली बनना तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना भी जा रहा है।